हाय व्यूअर, मैं मुनेजा। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल बाय किम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको इफेरर फार्मूले का इस्तेमाल बताएंगे। इफेरर के नाम से ही पता चल जाता है, इफ एरर यानी अगर एरर हो तो क्या करें। जब हम कोई शीट बनाते हैं और फार्मूलाज का यूज़ करते हैं और इसमें किसी जगह वैल्यू ना हो तो कई सारे एरर्स आ जाते हैं, जिससे हमारी शीट अच्छी नहीं लगती। इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी शीट की तरफ। यहाँ पर हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया है। अब हम इस एवरेज के फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे, यानी सेलेक्ट किया और फिर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। तो ये नीचे ड्रैग हो गया है फॉर्मूला। ये देखिए, यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इफ एरर फार्मूला नहीं लगाया। यहाँ पर हमने फार्मूले को नीचे ड्रैग करने के बावजूद भी यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आपको फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है, फार्मूला है मगर एरर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने लगाया है इफ एरर फार्मूला। जैसे यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है लाइबा खान, मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 25, इसके टैप प्रेस करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर तो एरर है भी नहीं, फिर भी आ रहा है कि हमने लगाया है इफ एरर। ड्रैग भी कर रहे हैं फिर भी यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है, और हम कोई वैल्यू टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू उसका एवरेज भी आ रहा है। ये देखिएगा, ये देखिए, यहाँ पर फिर भी एवरेज आ रहा है ना, मज़ेदार फार्मूला। चलिए अब देखते हैं इस फार्मूले को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम इस फार्मूले को नीचे जो ड्रैग किया है उसे डिलीट कर देंगे, और फिर यहाँ फर्स्ट वाले फार्मूले पे आएंगे, और फिर यहाँ फार्मूला बार में आएंगे, और फिर यहाँ इक्वल के बाद आपको टाइप करना है इफ़ एरर। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इफ़ एरर, तो नीचे आ गया। इसे हम टैप प्रेस करके ले लेंगे, ये ले लिया। अब इसके बाद ये नीचे पूछ रहा है वैल्यू, अब ये वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू में हम ये जो एवरेज का फार्मूला है या फिर आपका जो भी फार्मूला है, वैल्यू में हम उसे ये फार्मूला देना है। इसके बाद फिर हमें कॉमा देना है, ये कॉमा दिया। अब वैल्यू इफ एरर पूछ रहा है, यानी आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं। आप इसे ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर आप चाहते हैं कि जब फार्मूला ड्रैग कर दे ब्लैंक रहे, या फिर कुछ टेक्स्ट आए। यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये ब्लैंक रहे, इसीलिए यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक इन्वर्टेड कॉमा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा फार्मूला ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस किया, अब इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे। ये देखिए, नीचे ड्रैग किया, तब यहाँ पर आप देखेगा, यहाँ पर हमारा कर्सर है और यहाँ फार्मूला बार में आएंगे। यहाँ पर फार्मूला तो लगा है, फिर भी यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इफ एरर फार्मूला लगाया है। ये देखिए, यहाँ पर सफ़ान सेल्समैन सफ़ान है, यहाँ पर हम कुछ और उसके सामने नंबर टाइप कर देंगे। ये टाइप किया, तो देखिए हमारा एवरेज आता रहा है, मगर यहाँ पर जब ब्लैंक है वहाँ पर एरर नहीं आ रहा है। चलिए अब हम आपको एक और एग्जांपल लेकर बताते हैं। इसके लिए हम दूसरी शीट में आएंगे, और फिर यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया है वी लुकअप का, फिर भी यहाँ पर एरर आया है क्योंकि यहाँ पर सेल्स में कोई वैल्यू नहीं दी है, इसीलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। यहाँ पर हम कुछ टाइप कर देते, किसी का नेम टाइप कर देते इस रेंज में से। यहाँ पर हम सफ़ान टाइप करते हैं, जब मैं सफ़ान टाइप किया, अब हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर वैल्यू आ गई है। यहाँ से हम नेम डिलीट कर देंगे तो फिर एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम हमारा फार्मूला लगाएंगे इफ एरर का। यहाँ फार्मूला बार में आएंगे, और फिर हम इक्वल के बाद हमें टाइप करना है इफ एरर। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे इफ एरर, तो नीचे आ गया है। हम इसे टैप प्रेस करके लेंगे, फिर वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू में फिर हमें वही वाला वीलुकअप का फार्मूला देना होगा क्योंकि जो वीलुकअप का फार्मूला है वही हमारी वैल्यू है। इसके बाद फिर हमें कॉमा देना है। अब इसके बाद ये नीचे पूछ रहा है वैल्यू इफ़ एरर। वैल्यू इफ़ एरर में आप क्या देना चाहते हैं, इसे ब्लैंक रखना चाहते हैं
तो वैसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमा देना होगा, या फिर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिखिए। यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे, ये टेक्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए हम इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पर आपको जो टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे नॉट फाउंड, यहाँ पर हमें टाइप कर दिया नॉट फाउंड। अब इसके बाद फिर हमें एक इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और यहाँ पर फिर हमारा फार्मूला ख़त्म हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज किया और फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर नॉट फाउंड आ गया है। अब हम फॉर्मूले को और आगे ड्रैग कर देंगे तो देखिए यहाँ सभी पर नॉट फाउंड आ रहा है। यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का नेम टाइप करते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ नीलिमा, यहाँ मैं टाइप कर दिया नीलिमा, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू आ गई है। और फिर यहाँ से हम डिलीट कर देंगे नेम, तो फिर यहाँ पर एरर की जगह हमने यहाँ पर नॉट फाउंड दिया, यहाँ पर एरर की जगह नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि हमने इफ एरर के फॉर्मूले में नॉट फाउंड डाला था इसीलिए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ब्लैंक रहे तो आप इस यहाँ पर नॉट फाउंड की जगह आप इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए, दो इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए। अगर आप कुछ टेक्स्ट चाहते हैं या फिर नंबर डाटा जो भी चाहते हैं आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, और अगर टेक्स्ट है तो इसे इन्वर्टेड कॉमास में टाइप कीजिएगा। है ना मज़ेदार फार्मूला हमारे सारे एरर हटाने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह नए नए वीडियोस लाते रहें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।